मैं कीर्ति परोहा जनरल इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, नोट मेकिंग एक ऐसा पॉइंट है जो कि आपके सेक्शन ए में आता है और कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के अंतर्गत आता है। इसमें आपको दिए गए पैसेज को क्या करना होता है, पॉइंट वाइज उसको लिखना होता है, उसके नोट्स बनाना होता है। दैट इज नोन एज नोट मेकिंग। अब अगर हम इसको समझें कि नोट मेकिंग क्यों आवश्यक है, Why it is necessary? Note making इसलिए आवश्यक है कि पैसेज में या किसी भी पार्ट में, ये सिर्फ पैसेज अकेले से रिलेटेड नहीं है, ये हर एक क्षेत्र से, शिक्षा के हर एक क्षेत्र से रिलेटेड है, हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कि जो पार्ट होते हैं वो बहुत लेंदी होते हैं और उनको आप एज इट इज याद तो रख नहीं सकते। तो इसके लिए जो तकनीक, जो विधा अपनाई जाती है वो है नोट मेकिंग, अर्थात पॉइंट वाइज आपको लिखना, उसके नोट्स बनाना, जो कि हम और आप शुरू से कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी रूप में कर रहे हो। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे कि नोट मेकिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो किसी भी चीज को शॉर्ट करने के तरीके से नोट मेकिंग इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, बहुत बड़े लेख को सारांश और सारगर्भित, प्रिसाइज नोट्स के रूप में लिखने के लिए नोट मेकिंग आवश्यक होती है। और इसके बाद अगर हम देखें तो बहुत सारी चीजों को इकट्ठे याद रख पाना आसान नहीं होता, इसलिए उसको हम पहले नोट मेकिंग यानी उसके नोट्स बनाते हैं, देन इसको फिर हम समझ करके लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि हमको अध्ययन की दृष्टि से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जनरली यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में भी जो नोट मेकिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके भी सेम ऐसे ही फीचर हैं जो कि मैंने आपको पहले बताए। इसमें क्या होता है कि अगर एग्जाम दृष्टि से देखें तो यह आपके कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट के अंतर्गत आता है। 10th, 12th, 11th या 9th में कोर्स में है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये नोट मेकिंग जो है वो आपके अध्ययन की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। ना केवल इंग्लिश बल्कि अन्य सब्जेक्ट में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जो पैसेज दिया रहेगा उसको आपको पढ़ना रहेगा, उसके बाद उसको 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल टेक्निक है। वैसे तो नोट मेकिंग की बहुत 4 प्रकार से नोट मेकिंग करी जाती है जो कि बहुत लेंदी हो जाएगी। एकदम बिल्कुल सिंपल टेक्निक जो बिल्कुल जो बच्चों को इंग्लिश कठिन लगती है उनके लिए ये बहुत कारगर है। इसको कैसे करते हैं, हम कैसे नोट्स बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इसका एक ब्लूप्रिंट आपसे डिस्कस करेंगे, देन इसी वीडियो में हम आपको एक नोट मेकिंग की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हम यार अगर मान लें कि ये हमको एक पैसेज मिला है, ये पूरा मैं सिस्टमेटिक एक स्कीमेटिक पैटर्न पे आपको बता रही हूँ कि हाउ टू मेक नोट्स। तो सबसे पहले हम मान लें कि हमको जो नोट्स मिला या एक पैसेज मिला है उसमें कुछ इस प्रकार से आपको लिखा है इंग्लिश में। आप यहाँ पे अमेजिंग करके चलिएगा, इस प्रकार से ये नोट मेकिंग में आपको ऐसे पैसेज की लाइनें दी गई रहेंगी, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया, ये आपको मिला पैसेज। अब इस पैसेज को नोट मेकिंग स्टार्ट करने के पहले आपको क्या करना है, बहुत अच्छे शांत चित्त से इसको बहुत अच्छे से रीड करना है, जो भी इसमें दिया है इस मैटर को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये आपका हो गया पहला काम, क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना। तो ये पहला है, ध्यान पूर्वक आपको उस पैसेज को पढ़ना है। देन इसके बाद हम एक एज्यूम करके चलेंगे, एक अपने अंदाज से जिसको कहते हैं, तो हम इस पैसेज को 3 या 4 पार्ट यानी जितना लेंदी पैसेज है, यदि ये बहुत लेंदी है, इसके पेज के दूसरे पेज में भी जा रहा है, तो हम इसके 4 पार्ट या 5 पार्ट कर सकते हैं। और जनरली यदि 1 पेज में ही है तो हम इसके अप्रॉक्स 3 पार्ट कर लेंगे, ए पार्ट, देन अगेन बी पार्ट या देन अगेन सी पार्ट। इस प्रकार से हम इसको एज्यूम कर लेंगे कि हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिए, वट एवर। पर ये ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस है वो प्रॉपर जगह पर खत्म हो सकता है आपके इसका थर्ड लाइन में सेंटेंस आपका यहाँ पे फुल स्टॉप हो रहा हो, तो आपका ए पार्ट वहां तक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस से वो किस में इंक्लूड हो जाएगा, बी पार्ट में। हो सकता है कि बी पार्ट का जो है वो सी पार्ट के यहाँ तक इंक्लूड हो रहा हो, तो इतना हिस्सा जो है वो किसमें चला जाएगा बच्चों, बी पार्ट में।
रेस्ट बचा हुआ पोर्शन जो आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, सी पार्ट में। ये बिल्कुल सबसे इजी टेक्निक है, इसलिए आप बहुत ध्यान रखिए कि सबसे पहले हमने पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ा, देन वी गोइंग टू डिवाइड इनटू थ्री पार्ट, ए पार्ट, बी पार्ट एंड देन सी पार्ट। ये कोई बहुत एकदम पिक्यूलियर नहीं है कि नहीं आपको यहीं पर आके ही आपका ए पार्ट खत्म होगा। ए पार्ट एंड मीन्स उसका जो लास्ट सेंटेंस ए पार्ट का है वह कहाँ पर एंड हो रहा है, उससे हम इन पार्टों को कर लेंगे। आप चाहें तो पेंसिल से भी वहां पर निशान लगा सकते हैं। देन इसके बाद सबसे पहले हम इसके पैसेज के टाइटल पे फोकस करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा हमारा शीर्षक या टाइटल। इस पैसेज का हम क्या देंगे, टाइटल देंगे। जैसे हम देखेंगे टाइटल के लिए, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम और हो जाती है कि मैडम ये पैसेज तो हमने इसके पहले पढ़ा नहीं, इसको समझा नहीं, टीचर्स ने समझाया नहीं, हाउ कैन वी पुट टाइटल देयर, तो हम इसका टाइटल कैसे बनाएं। तो सिंपल सी बात है, इसमें एक बहुत अच्छा क्लू काम करता है कि आपको प्रैक्टिस तो इम्पोर्टेंट होती ही है, लेकिन जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे हम ये देखेंगे कि कुछ शब्द या तो वो बार बार कुछ ऐसा संज्ञात्मक शब्द रिपीट होगा, या इफेक्टिव वर्ड, इम्पोर्टेंट वर्ड जो होगा वो इसमें बार बार रिपीट हो रहा होगा, या फिर किसी एक इम्पोर्टेंट शब्द को लेकर के, एक पॉइंट, एक सब्जेक्ट को लेकर के उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो जो शब्द हमको ऐसे इम्पोर्टेंट समझ में आ रहा है कि जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो शब्द हमारा क्या हो जाएगा, पूरे पैसेज का टाइटल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर पैसेज का टाइटल लिखना है, और टाइटल को लिख करके और उसको बाकायदे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। सपोज हमने लिखा गेम्स और इसको हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पर एक बात और याद रखना है कि जो भी कंजक्शन वर्ड है, इंटरजेक्शन वर्ड है, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपके टाइटल के अंतर्गत नहीं आएंगे, ये आपका टाइटल नहीं हो सकते हैं। तो हमको मेनली उन इम्पोर्टेंट शब्दों पे फोकस करना है और उसको टाइटल देना है। देन अब फिर हम एक ऐसा एज्यूम करके चलें कि इस पैसेज के भी हमने तीन सब पैसेज बना लिए। हमने कितने पैसेज बना लिए, सब पैसेज बना लिए। इस सब पैसेज का हमने नाम दिया ए, देन हमने नाम दिया बी, यहां से अलग कर दें इसको, तो देन हमने नाम दिया सी। ठीक है, हमको मिला एक पैसेज। अब हमने नोट मेकिंग बनाने के लिए उसको कितने में डिवाइड कर दिया, तीन पैसेज पार्ट में डिवाइड कर दिया। अगेन हमको ए पार्ट हमने पढ़ा, ए पार्ट की इन लाइनों के बीच में जो दी गई है हमको, उसमें कौन सा वर्ड ज्यादा अगेन इंपॉर्टेंट आ रहा है जो कि टाइटल में नहीं आ रहा है। क्लियर हो रही बात, जो टाइटल में नहीं आ रहा उसको छोड़ के जो वर्ड इंपॉर्टेंट हमको यहाँ समझ में आ रहा, दैट शुड कम इन द सब पैसेज ए का टाइटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब पैसेज ए का टाइटल। ठीक है, जैसे कि इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन गेम्स की, ये मैं एज्यूम करके बता रही हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। जब इस वीडियो को आप देखें तो मन में कुछ भी ना आ रहा हो, सिर्फ इस पे ध्यान रहे आपका। अब यहाँ पर हमने ए का टाइटल दे दिया, देन हमने यहाँ पर कुछ स्पेस छोड़ दिया, फिर अगेन हमको सेम प्रोसीजर किसके साथ करना है, बी पार्ट के पास। कहाँ करना है ये प्रोसीजर, सेम बी पार्ट के साथ। तो यहाँ पर आ गया इम्पोर्टेंस, मान लीजिए वहां पर इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के बारे में कुछ बताया गया हो तो इम्पोर्टेंस आ गया। ठीक है, अब जब हमने ए के पार्ट में इसका सबटाइटल दिया, बी का सबटाइटल, सबटाइटल आपको ऐसा, ये बात सही नहीं, ये मैं सिर्फ आपको समझने के लिए कह रही हूँ, ये नहीं है नोट्स में कि सबटाइटल टाइटल होता है, ये आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। तो अब आपने जब ए का कर लिया, बी का निकाल लिया, इसी प्रकार से सेम आप क्या करेंगे, सी के लिए करेंगे। तो यार मान लो यहाँ पे आ गया फ्यूचर एस्पेक्ट, ये हमने मन से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, अब आपने इतना काम कर लिया, ये आपने मेन मेन हेडिंग्स इसकी चुन ली और यहाँ पर ए बी सी में लिख दिया। क्लियर हो गई बात, लेकिन इतने से आपकी नोट मेकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, अभी थोड़ा सा काम और बचा है। आपको मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में आया बेटा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखिए, अब हमने ये लिख लिया, अब हमको हर लाइन पे जाना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ के, जैसे ए पार्ट वाले पैसेज को पढ़ के इसमें हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड या की फीचर्स हमको समझ में आते हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। ए पॉइंट वन, ए पॉइंट
2A.3 इस प्रकार से हम लिखेंगे। और यहाँ पर उससे रिलेटेड जो शब्द हैं, जैसे डेफिनेशन दे दी गेम्स की, तो उसके टाइप्स कौन से हैं, उसके प्रकार कौन से हैं, कौन कौन से नाम हैं उन गेम के, वो लिख देंगे। ठीक है, देन हम जैसे हमने ए पार्ट के साथ किया, सेम प्रोसीजर हम किसके साथ करेंगे, बी पार्ट के साथ। यहाँ पर आ जाएगा B.1, B.2, B.3। समझ में आ रहा है बच्चों? अब क्या हो गया, आप B.4 भी कर सकते हो, B.A.5 तक भी जा सकते हो, ये कोई लिमिट में नहीं है, पर मोर देन 5 से जाने की आवश्यकता नहीं है, इतने में पूरे आपके इंपॉर्टेंट नोट आ जाते हैं। सेम प्रोसीजर हम करेंगे सी पार्ट के तहत। हो सकता है हमारा सी पार्ट बहुत लंबा हो सकता है हमारे इसमें जो सी पार्ट दिया है इसका पैसेज का वो क्या है, बहुत छोटा हो, तो इसमें अगर जैसे इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग हम इसमें करेंगे C.1, C.2, C.3 और C.4। ठीक है, यहाँ तक C.5 भी हो सकता है। और इसमें जब हम इन पॉइंट में देंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये एक पूरा लंबा सेंटेंस एक लाइन तक जाए, दूसरी लाइन में रिपीट ना हो, छोटे उसमें दिया गया हो, क्योंकि नाम ही है नोट मेकिंग, तो हमको छोटे स्वरूप में इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर लिखना है। तो इस प्रकार से फ्रेम करके हम नोट मेकिंग बना सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये जो ब्लूप्रिंट है ये आप बहुत अच्छे से समझिए, तभी आप आगे जा करके नोट मेकिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। यहाँ मैंने इसको सबटाइटल बोला, लेकिन ये सबटाइटल नहीं है, ये सारे इम्पोर्टेंट नोट हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ये काम अच्छे समझ में आ गया। एक बार फिर से हम पहले पूरे पैसेज को अच्छे से रीड करेंगे, देन उसके हम टाइटल जो है पैसेज का वो लिखेंगे, देन उसके बाद इसको 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, या 1, 2, 3 करके भी लिख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अब इसके बाद में फिर हम अगेन ए पार्ट में जो मेन इसका फीचर है उसको लिखेंगे, उसके नोट को, देन उसके सारे कीवर्ड जो नीचे दिए गए हैं उनको यूज करेंगे, फिर ऐसे बी पार्ट के साथ करेंगे, ऐसा ही सी पार्ट के साथ करेंगे। यदि हमको कहीं लगता है कि एब्रिविएशन यूज करना है, देन वी यूज एब्रिविएशन देयर, वहां पर हम एब्रिविएशन भी यूज कर सकते हैं। एब्रिविएशन क्या होते हैं, कैसे बनाते हैं, इसका वीडियो मैं अलग से आपको दिखा दूंगी बेटा। अब इसके बाद चलते हैं कैसे बनाए नोट्स, बिल्कुल इसी चीज को हम फॉलो करेंगे। देखिए पहला हमारा क्या काम था, सबसे पहले हमें पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सो वी स्टार्ट रीडिंग, हम इसको पढ़ना चालू करते हैं। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे इज एन ओल्ड सेइंग, ही हु रिजॉल्व अपॉन डूइंग अ थिंग बाय दैट वेरी रिजोल्यूशन ओवरकम्स टू ऑब्स्टेकल टू इट। It is so in all the occupation of life, at school, at college, or in the world. To determine to succeed is the surest way to succeed. Difficulties disappear before an unswerving resolution. This was well exemplified in the life of Napoleon. He threw his whole force of body and mind upon his work. He was told that the Alps stood in the way of his armies. There shall be no Alps, he said, and a road was made across them, over heights previously considered inaccessible. Impossible, said he, is a word only to be found in the dictionary of fools, and so it is. A determination not to give in is the surest condition of success in any undertaking. But the young student must carefully guard himself against the error of mistaking a mere undisciplined energy and self-will for the needful firmness and self-command on which success depends. अब मान लीजिए कि हमने ये पूरा जो पैसेज है वो बहुत अच्छे से पढ़ लिया, यहाँ पर हमने जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वर्ड्स थे उनको भी क्या कर लिया, अंडरलाइन कर लिया। तो सबसे पहले हमने इसका क्या देखा, टाइटल देखा। तो टाइटल अगर हम इसमें लिखें तो हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पर एक वर्ड आया है रेजोल्यूशन, इसके बारे में बताया जा रहा है, तो हमारा टाइटल हो जाएगा इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन, इम्पोर्टेंस ऑफ रेजोल्यूशन हमने यहाँ पर इसका टाइटल दे दिया। नाउ अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट
यहाँ पर हम साथ में नोट मेकिंग भी सीख रहे हैं बच्चों, ध्यान रखना। और ये आती है 5 मार्क्स के आपके इसमें। अब यहाँ पर हम देखें तो हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में। कैसे हम डिवाइड करेंगे बताइए, यहां से लेकर के यहां तक जो है वो हमने क्या कर लिया, ए पार्ट का नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इसका, ए पार्ट, या 1 पॉइंट नाम दे दिया यहाँ पर, 1। ठीक है, अब इसके बाद में यहां से फिर हम देखेंगे, ये स्टार्ट हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सेकंड पार्ट या बी पार्ट अगेन। ठीक है, अब यहाँ इसका बी पार्ट कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ पर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है क्योंकि एक सेंटेंस यहाँ खत्म हो रहा, सेकंड इसमें आ जाएगा जो लास्ट का बचा हुआ पार्ट रहेगा, नो मैटर ये किस में जाएगा, सी पार्ट में या 3 नंबर के पार्ट में जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस पैसेज को 1, 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। अगेन फिर से वैसे ही करना है। तो अब हम ए पार्ट में देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट कोई फ्रेजल वर्ब है या कोई फ्रेज है, बहुत अच्छा सा कोई सेंटेंस है जो है उसको हमको लिखना है। तो हम इसमें से हमने देखा कि हमको पहली लाइन में ही मिल गया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो हमने अपने पहले पॉइंट को नोट बनाया, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा 1 पॉइंट क्या बन जाएगा, ओवरकम टू ऑब्स्टेकल्स। तो हमारा 1.1 क्या बन गया, ओवरकम टू ऑब्स्टेकल्स। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा और हमको कौन सा बहुत अच्छा शब्द मिल रहा है यहाँ पे नोट बनाने के लिए, कौन से पॉइंट मिल रहे हैं, पढ़िए फिर से, श्योरेस्ट वे टू सक्सेस, है ना। तो ये वाला जो शब्द है ये हमारा सेकंड उसमें आ जाएगा, तो हमने लिख दिया श्योरेस्ट वे टू सक्सेस। फिर इसके बाद हमने देखा डिफिकल्टीज डिसअपियर, ये वर्ड, ये नोट मेकिंग के लिए पॉइंट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे डिफी करके हम यहाँ पर क्या कर देंगे, एब्रिविएशन पॉइंट लगा देंगे और डिसअपियर लिख देंगे, इसका मीनिंग होगा डिफिकल्टी डिसअपियर। अब जैसा हमने अपने इस ए पार्ट के साथ या 1 पार्ट के साथ किया है, सेम हम कहाँ करेंगे, सेकंड पार्ट के साथ, कि रेजोल्यूशन इन लाइफ ऑफ नेपोलियन। तो हमने लिख दिया रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन का RES करके डैश डैश लगा के इन नेपोलियन लाइफ, ये हो जाएगा हमारे पार्ट 2 के बारे में लिखना। इसके बाद हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट ढूंढ कर लिखेंगे कि मेड हाइट ऑफ एल्प्स अकॉर्डिंग ब्ले इम्पोर्टेंस ब्ले वर्ड फॉर फूल्स। तो इस प्रकार से करके हमने 2.1 और 2.2 बना दिए। ना इसके बाद अगर हम तीसरे में देखें कंडीशन ऑफ सक्सेस, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट बना, तीसरे पॉइंट का नोट बना कंडीशन ऑफ सक्सेस। तो हमने यहाँ लिखा, अब ये किस पर डिपेंड करती है कंडीशन ऑफ सक्सेस, तो डिटर्मिनेशन पे, सेल्फ विल पे और सेल्फ कमांड पे। ये तीनों शब्द जो हैं इस पर आए हैं, सेल्फ विल, सेल्फ कमांड। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप कुछ और बहुत अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं तो आप यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये तरीका है कि हम पैसेज से किस प्रकार नोट मेकिंग करें। आज मैंने आपको ये नोट मेकिंग समझाई है और आप इससे मिलती जुलती नोट मेकिंग पैसेज लेकर के और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे एक नोट मेकिंग प्रैक्टिस के लिए और पैसेज देने वाली हूँ। अब चलते हैं हम इसकी समरी। समरी क्या होता है, समरी ऐसा नहीं कि आपने इसको देख करके जो कर क्यों लिख दिया और उसको बोल दिया कि हमने समरी का काम या सारांश लेखन कर दिया, नहीं। आपको समरी इसमें से 1/3 पार्ट में समरी बताना रहता है, तो छोटे उसमें आना चाहिए, जितना हमारा ये पैसेज है उसका तिहाई हिस्सा समरी में लेते हैं। तो चलिए अब हम इसकी समरी बनाते हैं। समरी, रेजोल्यूशन डिटरमाइंस द सक्सेस ऑफ अ मैन, द ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज इन अवर पाथ डिसअपेयर बिफोर एन अनस्वेयरिंग रेजोल्यूशन। नेपोलियन इज वर्ल्ड फेमस फॉर हिज फर्म रेजोल्यूशन। His army made a road across the Alps and made it accessible. But the young student must guard himself against the misunderstanding, the undisciplined energy for firmness and self-will for self-command. इस प्रकार से शॉर्ट में आप समरी बनाएंगे। बच्चों ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आज हमने नोट मेकिंग को समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम नोट मेकिंग के लिए प्रैक्टिस के लिए और पैसेज आपको